नमस्कार साथियों, मैं योनेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप पे अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। धीरू भाई, जैसा कि आपको पता है कि रूप डी की हर शिफ्ट में केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको वो सारी केमिकल रिएक्शन बता दूं जो अभी तक पूछी जा चुकी हैं या फिर आगे पूछी जा सकती हैं। मतलब आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 20 केमिकल रिएक्शन बताने जा रहा हूं कि टॉप 20 केमिकल रिएक्शन क्या है जिनको आपको याद करना ही जरूरी है। आप उनको याद कर लो, उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इनपुट और आउटपुट पूछ लेता है, है ना। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये कैसे निकाला जाता है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ओके, तो पहली वाली जो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, उसका नाम है लेड नाइट्रेट का गर्म होना। अगर बात करते हैं लेड नाइट्रेट का गर्म होना, तो याद रखिएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ये याद रखना, आपको दो PbNO3 का होल ट्वाइस लेना है। जब ये गर्म होता है तो दो चीजें बनाता है, सबसे पहले तो एक तो 2PbO बना लेता है, यानी लेड ऑक्साइड बना ले रहा, और उसके अलावा देखिए ध्यान से, यहां पर दो दूनी चार, चार नाइट्रोजन है, तो 4NO2 बना लेता है। कितना बना लेता है? 4NO2। और प्लस आपका ध्यान रखना, एक गैस डालते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस कितनी होगी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ऑक्सीजन 3 × 6 और 6 × 12, 12 ऑक्सीजन है, तो मेरे भाई 2 ऑक्सीजन यहां है, 4 × 8 यहां है, 8 × 2 = 10। अगर 8 × 2 = 10 हो चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन निकलेगी, बताइए। तो आप लोगों को ये रिएक्शन तो पता होना चाहिए। अब इसमें कलर भी कई बार पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन वाली गैस निकलती है, तो आपको बताना है 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये कलर होता है, इसका कलर होता है भूरा, है ना। जबकि जो ऑक्सीजन निकलती है वो निकलती है रंगहीन गैस। तो कई बार तुमसे अगर ये पूछा जाए कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने से भूरे रंग की कौन से गैस निकलती है, तो आपको आंसर देना है NO2, और रंगहीन गैस कौन निकलती है, आपको आंसर देना है O2। और दूसरी रिएक्शन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का गर्म होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि आपको पता है कि NaSCO3 होता है, अगर मैं इसको गर्म करता हूं, यानी 2NaSCO3 लेता हूं, तो गर्म करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है Na2CO3, दैट मींस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बताइए। तो आपका Na2CO3 तो निकल गया, तो आप कह सकते हैं सोडियम बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन CO3 अभी बैलेंस नहीं है, और CO3 को हमेशा जो बैलेंस करता है वो CO2 - बैलेंस करती है, देख लीजिए। और फाइनली देखिए, एक और चीज बाहर निकलती है, हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन होना चाहिए, आप देखिए बैलेंस कीजिए, दो हाइड्रोजन था तो मैंने दो हाइड्रोजन तो जानबूझ के निकाल ही दिया। अब आप गौर से देखिए, 3 × 6 = 6 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहां, 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, देख लीजिए। तो रिएक्शन पूरी तरीके से आपका बैलेंस है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म होने से सोडियम कार्बोनेट मिलता है आपको, है ना। और याद रखना, ये गर्म करना एक अपघटन रिएक्शन होती है। हालांकि कई बार ये पूछा जाता है ये कौन सा अपघटन है, तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट का गर्म करना ये एक ऊष्मीय अपघटन है। कैसा है? तो कह देना ये ऊष्मीय अपघटन होता है, बताइए। तो ये दूसरी वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, इसे तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए क्या करना होता है, आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस होता है, अगर मैं इसमें क्लोरीन गैस फ्लो करा दूं, क्लोरीन गैस, तो ये बना लेगा CaOCl2। अब देखिए CaOCl2, यहां से एक O निकल दिया, तो फाइनली यहां पर जो बचता है लास्ट में वो जाता है तुम्हारा H2O। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये तीन केमिकल रिएक्शन जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, पहले आप इसको याद कर लो। मैं पूरी 20 केमिकल रिएक्शन लेके आया हूं। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, ये बहुत पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में आप बताइए किसका इस्तेमाल करोगे। तो याद रखना, जब भी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करना होता है, तो सबसे पहले तो आपको अमोनिया लेना है, अमोनिया के साथ साथ आपको H2O लेना है, प्लस CO2 भी लेना है, और प्लस लेना है NaCl। मतलब इतना सारा इनपुट होगा तब कह जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। लेकिन इसमें दो चीजें निर्माण होती है, एक तो ये जो अमोनिया है NH3 है, ये NH4Cl बनाकर एक बना लेता है नौसादर, मतलब अमोनियम क्लोराइड बना ले रहा। क्या बना ले रहा? अमोनियम क्लोराइड। बाकी ये जो बचा हुआ सोडियम है ना, ये तुम्हारा बना लेता है NaHCO3। आप एक बार चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। तो आप कहना यहां CO2 है, एक ऑक्सीजन उठा के वहां फेंक दिया CO3, सोडियम ले लिया, हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आना चाहिए आपके पास NH4O, पूरा बैलेंस है, आप चेक कर लो।
हर चीज बैलेंस है, क्योंकि एक दो हाइड्रोजन थे यहाँ पर एक्स्ट्रा मेरे पास, तो एक हाइड्रोजन NH3 को दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। तो याद रखना ये वो रिएक्शन है जिससे हम लोग अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर का निर्माण भी करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण भी किया जाता है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो याद रखना ये जो मैग्नीशियम होता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ तो फाइनली जो मुझे मिलता है वो मिलता है 2MgO। और ये जो मैग्नीशियम जलता है ना, ये सफेद धुएं के साथ जलता है। कैसे जलता है तो कह देना सफेद धुएं के साथ जलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम का जब भी कभी हम लोग दहन कराते हैं यानी 2Mg+O2 वो हमारा बनाता है 2MgO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। आगे देखिए आयरन सल्फेट का ड्रम होना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। तो आयरन सल्फेट होता क्या है तो कह देना FeSO4। लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं यानी इसका अपघटन करते हैं तो पहली जो चीज बने रही आपकी वो बने रही Fe2O3। अब मेरे भाई अगर Fe2O3 बन रहा है यानी दो Fe आ रहा है तो यहां पर हमें दो Fe लेना पड़ेगा, बताइए Fe2O3। साथ साथ देखिए जो दो सल्फर है ना उनमें से एक बन जाता है SO2 और एक बन जाता है तुम्हारा SO3। चेकिए तो 2FeSO4 को अगर हमने गर्म किया तो एक Fe2O3 SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन एक बार बैलेंस कर लेना चाहिए, तो 4 × 8 ऑक्सीजन यहां पर हुए, 3, 2, 5, 3, 8 चेक करो, है ना। तो ये 3 रिएक्शन 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो चुकी है। और आगे देखिए, इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब भी कभी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा जाए कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन क्या होती है, तो आपको बताना ये है कि भैया प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 पानी के साथ मिलेगा, हमेशा 12 पानी ही लेना है आपको, है ना। और फाइनली याद रखना C6H12O6 बनाएगा और उसके साथ साथ 6 ऑक्सीजन बनाएगा प्लस 6 एक्स्ट्रा पानी भी बनाएगा। हालांकि बहुत सारी किताबों में आपको यहां 6H2O मिलेगा और यहां फाइनली 6H2O नहीं होगा, है ना, लेकिन वो गलत है, आपका यही सही है। होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो स्टोमेटा के थ्रू जो है ना वाष्प उत्सर्जित हो जाता है, बोलिए। तो ये रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की होती है और याद रखना ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में हुई हो रही है। ओके, तो इसका भी इनपुट और इनका आउटपुट निकालना आपको आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है और अभिकारक क्या है। फास्ट जीन गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दे फास्ट जीन गैस होती क्या है, अगर कोई पूछे तो बताइए फास्ट जीन गैस क्या है। तो फास्ट जीन गैस का निर्माण जो होता है बच्चा वो होता है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 लेना है। ओके, तो अगर मैंने CHCl3 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, याद रखिएगा। तो CHCl3 की रिएक्शन अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ करा दी तो एक फास्ट जीन गैस बन जाती है यानी COCl2 बन जाता है। तो COCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ये फास्ट जीन गैस है, है ना। एक होता फास्फीन, वो PH3 होता है, प्लस हमारा क्या निकाल के जाएगा जो हाइड्रोजन होता है वो HCl बना लेता है। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ½O2 लगाना पड़ेगा, चेटो अब ये रिएक्शन बैलेंस है। इसीलिए देखिए अक्सर बताया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को आप हमेशा रंगीन बोतलों में रखिए, रंगीन बोतलों में इसलिए रखिए क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में ध्यान रखना फास्ट जीन गैस बनाता है जो कि एक जहरीली गैस होती है। और इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में रखते हैं। और कई बार एक काम और किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म जब रखते हैं ना तो इसके साथ हम लोग एथिल एल्कोहल मिला देते हैं यानी C2H5OH मिला देते हैं। तो होता क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म में एथिल एल्कोहल C2H5OH मिलाते हैं तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी ना इसकी दर धीमे हो जाती है, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते ना फास्ट जीन गैस बने। तो फास्ट जीन गैस निर्माण के लिए क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन, फास्ट जीन गैस प्लस HCl। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण, तो होता क्या है कि हम लोग की जो बॉडी है ना उसमें अंदर होता है सेल और सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं हम लोग को पता है कि बॉडी में हमारे ग्लूकोज आता है C6H12O6। जब ये 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बदले में ये बनाता है दो चीजें, उनमें से एक होता तुम्हारा सबसे पहले बनाएगा C6H2O + C2। और साफ साफ पता है कि एक और चीज बनाता है उसका नाम होता है 38 ATP ऊर्जा, या सिर्फ आप ATP ऊर्जा लिख दीजिए तो ATP ऊर्जा भी बनाता है ना।
तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये तुम्हारे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की, है ना। बहुत सारी रिएक्शन उष्मा से छेपी सोसी, लेकिन इनके बारे में मैंने आपको पहले सर एक वीडियो में बता रखा है कि उष्मा सोसी क्या है, छेपी क्या है, है ना। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन कौन सी होती है, कैसे पहचानते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिलहाल अभी वाले वीडियो में मैं बस आपको रिएक्शन से रूबरू करा रहा हूँ ताकि आप उसका अभिकारक और उत्पाद ये दोनों बता सके, है ना। तो ये धारक ना, ये रिएक्शन हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये याद होना चाहिए। और देखिए, इसके अलावा होता है एसिटिलीन का निर्माण 10वीं 11वीं और 12वीं। अगर मैं पूछूं कि भैया एसिटिलीन का निर्माण बताइए, स्टी केमिकल रिएक्शन क्या है, तो करना क्या होता है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना होता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और स्टी रिएक्शन हमें करानी होती है पानी से, वो भी कौन वाला पानी, तो कह देना 2H2। तो जैसे ही रिएक्शन आते हैं तो फाइनली जो हमारा बनता है वो एक तो बन जाता है C2H2 हरा, और फाइनली जो बन जाता है वो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइज। आप देख लीजिए पूरी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये जो एसिटिलीन गैस बनती है ना, इसका मेनली यूज करते हैं फलों को पटाने के लिए, लेकिन कैसे, तो कह देना कृत्रिम रूप से। तो कृत्रिम रूप से फलों को पटाने के लिए, हम लोग एसिटिलीन गैस का निर्माण करते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बाइड की मदद से। और आपको बता दे, अगर आपको एसिटिलीन गैस नहीं, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके आसपास जो फल वगैरह बेचते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड लेकर एसिटिलीन गैस बनाते हैं। तो कई बार आप देखिए फलों में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर लगा होता है, वो पाउडर एक्चुअली में कैल्शियम कार्बाइड का होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना, पहली बात तो याद रखना, हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया बनाया जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया जाता है, इनका अनुपात बहुत पूछता है। तो अगर इनका अनुपात तुमसे पूछा जाए कि बताइए क्या अनुपात है, तो बाई वैल्यूम अनुपात पूछता है और बाई वेट पूछता है। मैं दोनों अनुपात बताता हूं, पहले मैं बता दूं, जब N2 और 3H2 मिलाते हैं तो 2NH3 बनाता है ना। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो हमेशा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करती है, साधारण टेम्परेचर पर रिएक्शन करती नहीं है, इसलिए इसका टेम्परेचर आपको याद रखना है 450°C। उसके अलावा इसमें एक उत्प्रेरक भी होता है, मॉलिब्डेनम और Fe, ये उत्प्रेरक का काम करता है। बोलो, तो ये तुम्हारी कहलाती है एक हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये जो रिएक्शन है ना, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि ये रिएक्शन कैसी होती है, तो कह देना ये होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ, आप इससे ये बना सकते हो और अमोनिया से वापस तोड़ सकते हो, दोनों ओर होती है, बात समझे। अब कई बार इसका रेशियो पूछा जाता है, तो जब ये रेशियो तुमसे बाई वैल्यूम पूछा जाए, बाई वैल्यूम, तो याद रखना अगर ये रेशियो तुमसे बाई वैल्यूम पूछा जाए कि बताइए बाई वैल्यूम क्या अनुपात होगा, तो बाई वैल्यूम का मतलब सीधा सीधा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, मैं अनुपात बता रहा हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, है ना। तो कुछ नहीं करना, इसके आगे जो संख्या लिखी होती बस वही लिख दीजिए, यानी 8:3। लेकिन अगर यही रेशियो तुमसे बाई वेट पूछा जाता कि बताइए आप इसका अनुपात बाई वेट बताइए, तो आपको वेट के अनुसार बताना पड़ता। तो मेरे भाई नाइट्रोजन वैसे होता है 7N14, लेकिन दो नाइट्रोजन है N2 है, तो आपको यहां 28 करना पड़ेगा अनुपाते। और यहां पर देखिए 6 हाइड्रोजन है, और 6 हाइड्रोजन मतलब 6। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कराऊं और 4 से भाग दे दूं या 2 से भाग दे दूं, तो 14:3, तो बाई वेट ये अनुपात आ गया और वाई वैल्यूम ये अनुपात आ गया, दोनों रेशियो आपको याद रखने हैं ना। और देखिए नमक का निर्माण या उदासीनीकरण, उदासीनीकरण जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अम्ल, जैसे कि मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, ये तुम्हारा किसी भी क्षार जैसे कि NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, और फाइनली ये दोनों जब मिलते हैं तो नमक का निर्माण करते हैं, जैसे कि NaCl हो गया और प्लस हो जाता है H2O। देखिए ओके, तो HCl प्लस NaOH यानी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये मिलकर NaCl बनाया। चूंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए देखिए यहां पर जो pH वैल्यू आता है ना नमक का, वो उदासीन होने की वजह से 7 आता है। अरे भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, है ना। तो HCl प्लस NaOH NaCl बनाया, प्लस हमारा बनाया H2O, रिएक्शन देख लीजिए बैलेंस है। ओके, तो यहां पर अभी हमने 12 रिएक्शन पढ़ ली, और आगे रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको CaCO3 बनाना है। होता क्या है, ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, होता क्या है कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ चूना मतलब लाइम वाटर,
चूने का पानी जिसको बोलते हैं, COH का होल्ड वाइज, अगर इसमें हम लोग अपने मोटी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लोट आ दें तो तुरंत हमें दूधिया कलर मिल जाता है। अब वो दूधिया कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का यानी CaCO3 का प्लस H2O चेटल लो, है ना। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये दूधिया कलर मिलता है, इस बात को याद रखिएगा, दूधिया कलर। तुमसे कई बार कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि बताइए सर फॉर्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कहना कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो मोती के नाम से जानते हैं, मोती कुत्ता वाला मोती नहीं है, मोती है वो जो गले में पहनते, तो मोती हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारे के सारे नाम ध्यान रखना हमारे कैसा, तो संगमरमर ये सारे के सारे नाम हमारे CaCO3 होता। मीथेन का पूर्ण दहन, ये भी एक दहन प्रोसेस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मीथेन यानी CH4 दहन कराने का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराइए, लेकिन इन्होंने लिखा पूर्ण दहन। तो पूर्ण दहन में क्या होता है कि जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, मतलब CH4 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो एक तो बना देगा CO2 और बाकी बचा जो हाइड्रोजन है ना वो पानी बना निकलेगा, तो चार हाइड्रोजन है इसलिए आप 2H2O निकाल दीजिए, है ना। अब आप मुझे ये बताइए जरा, अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूं तो यहां दो ऑक्सीजन, यहां दो यानी चार ऑक्सीजन, जिसकी वजह से मुझे यहां पर दो ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे, देखिए, है ना। तो ये हमारा कह सकते हो मीथेन का पूर्ण दहन। अच्छा, दहन होने के बाद हमेशा एक ऊर्जा बनती है, इस बात को याद रखना, दहन होने के बाद हमेशा क्या बनती है, एक ऊर्जा बनती है, इस बात को भी आपको याद रखना है। सिल्वर का काला पड़ना, जब भी कभी चांदी को आप देखिए खुला छोड़ देते हो तो वायुमंडल में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना H2S, वो चांदी को काला कर देती है। होता क्या है, वैसे चांदी तो होती है सफेद कलर की, लेकिन जैसे ही सिल्वर H2S के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है Ag2S, इसको बोला जाता है सिल्वर सल्फाइड। तो ये चांदी को देखिए काला कर देता है, और मैं आपको बता दूं एक और गैस निकल जाती है फाइनली, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल नहीं निकले रहा, दो मॉलिक्यूल से निकलेंगे, बताइए। तो हाइड्रोजन का सिल्वर का काला पड़ना हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलो, और ये समय समय पर होता है, ऐसा नहीं है कि आपने चांदी को खुला छोड़ दिया काली पड़ गई, नहीं, थोड़ा सा टाइम ले रहा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आप देखिए चांदी काली पड़ जाती है, हम लोग उसकी सफाई भी कर देते। आयरन धातु का भाप के साथ क्रिया करना, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आयरन एक ऐसी धातु है जो पानी के लिक्विड अवस्था के साथ कभी क्रिया नहीं करती, मतलब पानी के लिक्विड अवस्था के साथ कभी क्रिया नहीं करेगी। अगर आयरन की क्रिया तुम्हें H2O के साथ करानी है तो वो हमेशा गैस अवस्था में होनी चाहिए, भाप अवस्था में, ये क्वेश्चन आया है, तो याद रखना, अगर मुझे आयरन की क्रिया पानी के साथ, दैट मींस H2O के साथ करानी है, तो मुझे गैस फेज लेना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि आयरन जब पानी के साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड का मतलब है Fe2O3, बताइए। तो अगर मुझे Fe2O3 बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो यहां लेना पड़ेगा, O3 बनाना है तो कंफर्म मुझे यहां तीन वो लेने पड़ेंगे पानी, तभी तो Fe2O3 बनेगा, तो बाकी बची हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यानी 3H2 बाहर निकल जाएगा, आप चेक कर लो, है ना, बताइए, बात सब कुछ क्लियर है ना। यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगला है कार्बोनेट का अम्ल के साथ रिएक्शन करना, सुनिए, जब भी कभी कोई भी अम्ल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए HCl, किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मान लीजिए मैंने कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया Na2CO3, तो पहला एक बनता है लवण, अब कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट होता, बनता वही लवण, तो लवण हो जाएगा 2NaCl, अब 2NaCl क्यों हुआ भैया, यहां Na2 है ना, 2NaCl प्लस एक गैस भी निकलेगी जिसका नाम हो रहा CO2, अब प्लस ध्यान रखना एक और चीज भी निकलेगी जिसका नाम हो रहा H2O, पानी, है ना। तो होता क्या है कि जब कार्बोनेट की क्रिया हम लोग किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो फाइनली जो है ना, यहां रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2HCl लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां 2NaCl, तो फाइनली एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम होता है CO2। अब CO2 को डायरेक्ट ना पूछकर ऐसे पूछ लेता है कि कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराने से बनने वाली गैस के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला कथन लिख रहा होगा यह गैस अग्निशामक में यूज होती है, यह गैस कोल्ड ड्रिंक में यूज होती है, बात समझे ना, तो मुझे बताना पड़ेगा फिर। आगे देखिए, जिंक धातु का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैंने ध्यान रखना जिंक धातु की यानी ZnT क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस
2NaOH के साथ रिएक्शन आया। तो फाइनली पता क्या बनता है, फाइनली बनता है सोडियम जिंक ऑक्साइड, और सोडियम जिंक ऑक्साइड होता है Na2ZnO2, ये होता है। लेकिन मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा बच्चे, तो जिंक तो बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है, O2 भी बैलेंस है। और लेके देखिए अभी हमारी एक गैस बाहर निकल जाएगी और वो गैस होगी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस। ये जो नाम मैंने लिखा ना, ये गैस, ये नाम कहलाता है सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो और देखिए सिल्वर क्लोराइड का अपघटन, ये उष्मीय अपघटन नहीं है, ये प्रकाशीय अपघटन है। होता क्या है कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड दैट मींस 2AgCl का अपघटन कराते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारा प्रकाशीय अपघटन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो जब हम लोग इसका अपघटन कराते हैं तो 2Ag यानी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। अरे तो 2AgCl का अगर अपघटन कराते हैं तो याद रखिएगा क्लोरीन सिल्वर अलग होगा, क्लोरीन गैस अलग होगी। और आपको पता है कि ये गैस फॉर्म है जबकि ये तुम्हारा जो है सॉलिड फॉर्म है। अगली रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग करना। देखो होता क्या है कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है ना, आयरन की रिएक्टिविटी वो थोड़ा कॉपर से ज्यादा है। वैसे आयरन का जो कलर होता है वो आपका होता है ब्लू तो होता है आपके कॉपर का, इसका कलर हो जाएगा ब्लू, इसका कलर हो जाएगा नीला। जब भी अगर कोई पूछे कि आयरन का जो कलर होगा वो ग्रे, तो जब ये रिएक्शन होती है तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आयरन सल्फेट बन जाता है जबकि कॉपर तुम्हारा अलग हो जाता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये कहलाती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने देखिए यहां पर क्या किया है आप लोग के सामने, टॉप 20 केमिकल रिएक्शन आपको बनाई है, इसका स्क्रीन शॉट लेते ही सारी केमिकल रिएक्शन रट लेना, क्योंकि यही केमिकल रिएक्शन भैया सबसे ज्यादा बात पूछी जा रही है। अटे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो देखने के बाद उनको कम से कम वो सारी केमिकल रिएक्शन याद कर लीजिए जो हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। थैंक यू।